सबसे पहले हम सभी तरफ से आपको जो भी करना है, थैंक यू, क्या कुछ कहेंगे आज? फिर एक बार आपसे देख रहा हूँ, सेवा कर रहे हैं आप, कहेंगे इसके बारे में? जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा नाम अरुणा नाम है और मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। आज मैं यहाँ पे मलाड ईस्ट में खांडवाला लेन आई हूँ। ये मेरा बहुत स्पेशल एरिया है, मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ। कुछ भी मुझे करना हो, कुछ भी सेलिब्रेट करना हो या इनको कोई मदद चाहिए होती है, तो मैं हमेशा मलाड ईस्ट में खांडवाला लेन आती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ शुरुआत करूँ, और मैंने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे बहुत खुशी हुई। छोटे छोटे बच्चों को जब तुम केक और छोटी छोटी चीज़ें देते हो तो देखिए उनके चेहरे पे इतनी खुशी आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बस ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दें, और ऐसे मैं आती रहूँ खांडवाला लेन और आपकी मदद करती रहूँ। शुक्रिया। क्या प्लान किया? आज कुछ प्लान नहीं बनाया है। मेरा प्लान ये था कि पहले मैं मलाड इसमें आऊँ, ये बच्चों के साथ केक कटिंग करूँ। हमेशा मैं अपना बर्थडे की शुरुआत बच्चों के साथ करती हूँ। अभी मैंने सोचा है कि मैं इसके बाद मैं शिरडी के साईं बाबा में बहुत बिलीव करती हूँ, इसके बाद मैं साईं बाबा मंदिर जाऊँगी, और आज का दिन मेरा ऐसे ही जाएगा बच्चों के साथ और मंदिर जाना, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और दिस इज़ द वे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। या मैं लाइफ इन फाउंडेशन की को फाउंडर हूँ और अरुणा शर्मा की मैं बेस्टी हूँ। आज उनका बर्थडे है, मैं उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और वो हमेशा अपना बर्थडे मलाड ईस्ट और खांडवाला लेन में आके बच्चों के साथ मनाती है, और अपने बर्थडे की शुरुआत वो हमेशा सोशल वर्क से करती है। वो बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात है और खुशी की बात है, और मैं भी हमेशा दिल से उसका साथ देती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है और उसकी साल की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करती है। तो मैं एक बार फिर उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ, और हम हमेशा लाइफ एंड फाउंडेशन की तरफ से ये सब सोशल वर्क अरुणा के साथ में हमेशा करती रहूँगी। सिंगर तो यस, गाना, सो आई थिंक वी ऑल शुड सिंग टुगेदर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरुणा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सच अ ब्यूटीफुल ओकेजन वी आर योर, एंड एज शी सेड हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक बहुत अच्छे दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और मुझे लगता है कि जब हम अपने बर्थडे के दिन ब्लेसिंग्स लेते हैं और लोगों की दुआएं लेते हैं, इससे अच्छी गिफ्ट कहीं किसी के लिए नहीं हो सकती। एंड अरुणा, आई एम सो हैप्पी कि तुमने हमको यहाँ एक एक अच्छे काम के लिए बुलाया। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे, और जो भी तुम ज़िंदगी में चाहती हो इन बच्चों की तरफ से और हमारी तरफ से, ऑल द बेस्ट यू इन लाइफ। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए केक बहुत बड़ी चीज़ है, और जब उनको मीठा दो तो हमने देखा कि वो अपनी उंगली से उससे मंजन कर रहे थे, वो ब्रशिंग देयर टीथ ताकि शायद वो फ्लेवर उनके मुंह में बहुत देर तक रहे। तो ये मिठास उन बच्चों के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राविका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड नीता थैंक यू फॉर कमिंग, ऑलवेज डार्लिंग फॉर यू, सो स्पेशल, यू पीपल मेड माय डे, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे डियर, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू। हमेशा जैसे कि आप जानते हो कि शैलेश पटेल मेरी बैकबोन है, एक ही शैलेश पटेल एंड पुष्कर और सब मीडिया वाले। शैलेश पटेल एक भाई के जैसे हैं, वो हमेशा पूरा अरेंजमेंट करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। अगर मैं खाली बोलूँगी कि मुझे ये इवेंट करना है तो मुझे उसके बाद कुछ नहीं देखना पड़ता है, मैं टोटली उन पर डिपेंड होती हूँ। तो शैलेश पटेल जी बहुत हार्डवर्क डालते हैं, पूरा अरेंजमेंट करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। इट्स नॉट सो ईजी, लगता है बहुत आसान पर ईजी नहीं है। हम खाली आते हैं यहाँ पर और हमको सब कुछ प्रिपेयर मिलता है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू शैलेश जी, शुक्रिया। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।